एडवांटेज ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एडवांटेज ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमें क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में एडवांटेज बताना है कि एडवांटेज क्या चीज है, ठीक है, दोनों में से क्या किस चीज की, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लोज सिस्टम कैन डायरेक्ट ब्लड टू स्पेसिफिक टिश्यू, ठीक है, क्लोज सिस्टम कैन डायरेक्ट ब्लड टू स्पेसिफिक टिश्यू, ठीक है, ब्लड कहाँ, स्पेसिफिक टिश्यू में ही जाएगा, एक्सचेंज अकर मोर रैपिडली, ठीक है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैन सपोर्ट हायर लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और ऑल। तो क्लोज में क्या क्या चीज होती है, क्लोज सिस्टम के अंदर अगर हम देखेंगे क्लोज के अंदर अगर हम देखेंगे तो कौन सा सिस्टम चलेगा आपका, क्लोज सिस्टम कैन डायरेक्ट ब्लड टू स्पेसिफिक टिश्यू, सही है, क्लोज के अंदर होता है, एक्सचेंज अकर मोर रैपिडली, एक्सचेंज भी बहुत अच्छे से होता है, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैन सपोर्ट हायर लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई हेल्प होती है क्या, ओपन और अगर क्लोज में देखेंगे तो अगर हम एडवांटेज पूछ रहे हैं तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैन सपोर्ट हायर लेवल्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसमें हेल्प करता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसमें क्या होगा, जब क्लोज सिस्टम होगा तो न्यूट्रिएंट्स का कितनी जल्दी से डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी क्या अलग अलग तरीके की चलती है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सपोर्ट करता है हायर लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अगर क्लोज होगा तो वो एक्टिविटी फास्ट होगी, ब्लड वेसल्स अलग अलग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, ठीक है, तो सबसे बड़ी एडवांटेज उन्होंने पूछी है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर क्या एडवांटेज है, ठीक है, क्लोज सिस्टम कैन डायरेक्ट ब्लड टू स्पेसिफिक टिश्यू, ठीक है, ये होता है नहीं, एक्सचेंज अकर मोर रैपिडली, एक्सचेंज तो हो ही रहा है, इसके अलावा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैन सपोर्ट हायर लेवल्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसका आंसर है आपका सी।